और आज से हम तेल वाला खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि खाते खाते निकलना है, बिना खाते बिना निकलना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे भाई आ जाओ। तो आप सभी को नमस्कार, स्वीशेस वाले यूट्यूब चैनल में। आज है 17 फरवरी और आज मेन कार्यक्रम है दादी की तेरवी का। आज जितने भी गांव वाले हैं वो सब आएंगे यहाँ पे भोजन करने के लिए। फटाफट अभी तैयार होते हैं, ना धोके अभी बिज्जू और विक्की जा रखे हैं रोल पे थोड़ा हल्का होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आजकल पानी नहीं आ रहा। हमारे गाँव में पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब आ रहा है पर कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो फटाफट मैं भी निकलता हूँ क्योंकि फिर मैं पीछे छोड़ दूंगा वरना। तो यहाँ पे पूजा का खाना बढ़िया तरीके से अभी बन रहा है। पूजा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, काका जी बताएंगे। काका जी इधर देखो, काका जी क्या क्या बन रहा बता दो जरा। इसमें क्या क्या बन रहा है, इसमें सब्जी बन रही है, 9 प्रकार की सब्जी है, 2 प्रकार की दाल है, अच्छा। कड़ी है, 2 प्रकार के चावल है। 2 प्रकार के चावल कौन कौन से हैं ये भी तो बताओ। एक लाल वाला होता है हमारे यहाँ जो गढ़वाल में है, और एक सफेद बनता है जो हर जगह बनता है, जो हर जगह ही बनता है। ये हमारे यहाँ तेरवी में इसकी ज्यादा मान्यता है। बिल्कुल, कड़ी बनेगी, पकौड़ी बनेगी, चटनी बनेगी। ये जो ये वाला भात है मीठा भात है के? लाल भात जो है, हाँ, ये लाल भात है, मीठा होता है ना। हाँ। अरे वाह, और ये भी देखो पकौड़ी बना रहे हैं, ये मिर्ची की पकौड़ी देखो। हाँ 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 हाँ, गजब। पापड़ कहाँ है, कहाँ है पापड़? अभी बनेंगे, अभी बनाएंगे। अच्छा, पहले इनको निकालेंगे तब बनेंगे। क्या बात है, सुबह से लगे, कितने बजे उठ गए थे आप? 4:30 बजे। अरे दो ही है ना मेन मंदिर बनाने वाले, एक वो ताऊजी बैठे हुए, एक काका जी है। क्या बात है, बाकी हेल्पर हैं यहाँ देखो सब। चाची क्या हो रहा है अभी? अब हवन होगा। और उससे पहले, हवन से पहले तो वहाँ पूजा हुई थी, कहाँ? रोल में जाके। और अब हवन की तैयारी हो रही है। क्या करना है इसको? पता नहीं, किसी ने बोला था ना तो मम्मी रख देगी। तो ठीक है, भेंट मतलब भेंट। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिका पतये उमा पतये पशुपतये नमो नमः। तो अभी हवन बड़े करके संपन्न हो चुका है और गायदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गायदान कल भी हुआ था, लेकिन जो दादी के अपने खास बच्चे हैं 4, सिर्फ उन्होंने ही गायदान करना था। और आज जितने भी परिवार वाले हैं ना, सारे के सारे गायदान करेंगे। तो इसलिए 2 दिन गायदान हुआ, कल भी और आज भी। तो अभी बस गायें आने वाली है, धोल दमाव भी बजने स्टार्ट हो गए हैं। चलो भैया स्टार्ट कर दो धोल दमाव। सारे के सारे जितने भी अभी परिवार वाले हैं वो जो गाय हैं, गाय के परिक्रमा लगा रहे हैं और पांव पे छूने में लगे हुए हैं। ओबे बे 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 ओबे तो गोदान हो चुका है संपन्न बढ़िया करके, और अब जो गाय है वापस जा रही है छन्नी में। बाय, टाटा टाटा टाटा। आजा, बहुत प्यारी है। आजा आजा, क्या नाम है इसका? नाम मेरा हमारी है ना गाय? नहीं, ये तो पंडित ले जाएगा। अच्छा, बोले जाएंगे। अच्छा, दान कर दिए? दान कर दिया। क्या बात है। तो सारे सारे अभी जहाँ पूजा चल रही थी कल 2 दिन से, वहाँ पे आ गए सारे परिवार वाले। और आज से हम तेल वाला खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से हम तेल वाला खाना नहीं खा रहे थे। कौन खा रहे सबसे पहले? आलिया। क्या बात है, हो चुका है भोजन शुरू।
ये चने अभी पूजा के लिए पहने या पहन के रखोगे? पूजा के लिए। पूजा के लिए है सिर्फ। बढ़िया। और नीचे धोती पहनी हुई। क्या बात है। अच्छा ऐसे पकौड़ी लेते लेते बाहर निकलते रहना है? क्या खाते खाते निकलना है? बिना खाते हुए निकलना। क्या बात है। तेल वाली पकौड़ी है ना सारी? हाँ वही बताया मैंने अभी। टोपी भी पहनाई जा रही साथ में। ओहो भाई सबने कटा दिए। दादी आ गई बाहर। दादी आ गई। आराम से पिलाओ मम्मी। अपने तो आराम से पिलाओ। पूरा डाल दोगे क्या? बिल्कुल परेशान नहीं हो। आशीर्वाद दो सबको। आशीर्वाद। अच्छी बात है। आशीर्वाद दिए, दर्शन दिए, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर चल अबे ब्लॉग क्लोज कर दे। टेक केयर बोल बोल टेक केयर बोल। तब शांत हो जा परमेश्वर। बस तुम ऐसा तो सब आज बांध टूटी गई हो तो क्या खाना है? पूरे परिवार घर चलो क्या चलो। सारी की सारी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब यहाँ पे जो खाना बना था वो दादी के लिए निकाल रहे हैं उसे अलग से। जितना भी बना था सब दादी के लिए रखा जा रहा है। बढ़िया। पूरी पूरी बना रही? पूरी पूरी ना बननी थी। पूरी नहीं बनाई? अल्लाह भाई पूरी तो दादी की फेवरेट थी। तो यहाँ चूल्हे पे रखा जा रहा है दादी के लिए। यहीं पे आएंगे दादी खाने के लिए। तो यहीं पे पूजा हो रही है अभी। एक फोटो खींच देंगे सबकी। हाँ सबको बुलाएंगे जिन्होंने टोपी पहनी है। जितने भी भाई लोग हैं सब एक साथ फोटो। हाँ चलो नीचे चलो। आ जाओ सारे आ जाओ। सारे भाई आ जाओ। जिन जिन ने बाल कटा रखे हैं जिन्होंने नहीं कटा रखे सब आ जाओ। इतना ही है क्या? और भी तो हैं। खींच गई बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। पंडित जी की भी आ गई आज। पंडित जी 6 बजे से पहले बोलने लगे। क्या बात, अभी तो 6 भी नहीं बजे। हैं 6 बजे से पहले कैसे बोलने लगे आप आज बताओ? हाँ मेरे घर में जरा दिक्कत है। हाँ? मैं जरा बहुत परेशान हूँ। हाँ? मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। जा रहे हो? हाँ। अरे 1 घंटे का रास्ता यहाँ पे से। पैदल पैदल जाओगे क्या? पैदल नहीं, गाड़ी तो तुम छोड़ोगे बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मेरी दादी जी हैं, वो काका की बुआ हैं। तो बुआ के लिए 4 शब्द बोल दो जरा अपनी बुआ के लिए। मेरी बुआ तो हमेशा अमर अमर रहे।
बिल्कुल। उस बजाय ने मैं आशीर्वाद दिया, मेरे को गाली भी दी थी, उनके बच्चे यार मेरे को भी गाली भी देते, कई बार लेकिन प्यार हमारा बिल्कुल बहुत बड़े प्यार बिल्कुल। इससे जाके आप कुछ नहीं है ना। अरे मम्मी ये दादी को तूने दिए क्यों नहीं वहाँ? वही तो यार चिप्स लाया था, क्या करूँ उस टाइम दे देने थे ना। वही दादी आ रही है परसों दादी के लिए चिप्स लाया था मैं, अब देना ही भूल गया, बैग के अंदर रह गए। ये रख दूँ सामने ऐसे रख देता हूँ ना। एक पैकेट पंडित जी के पास, एक पैकेट ऊपर का क्या जल्दी जल्दी भात चलाओ, भात जल्दी ना जल्दी कर बार में। अच्छा भूल गए अबे क्या भूल गए मेरे फूफचुआ अब म्यार दादी जी वो भात दो भाई भात दो जल्दी जल्दी। देखो पीछे कितना प्यारा व्यू है, देखो ये हमारे गांव से बिल्कुल ऐसे घाटी दिखती है और यहाँ पे सब भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आधे लोगों ने कर लिया, अब आधे लोग बचे हैं बस घर वाले बस। तो यहाँ पे कड़ी छोड़ो यार, क्या बोलना, अब अजीब सा लग रहा है भयंकर। समझ में ही नहीं आ रहा वो है क्या। मैं बता रहा था ना अभी, ये है क्या क्या है बता, बिजू बताएगा। कड़ी है, कद्दू है, मिक्स वेज है, अरहर की दाल है, और लाल भात है, व्हाइट वाले चावल है, ये भी तो है, चटनी है, इमली की चटनी, पकौड़ी है, पापड़ है, क्या सलाद है, सलाद है, हलवा है, खीर है। कितने भोग होंगे कम से कम? 56 भोग, 55 ऊपर नीचे होंगे, ऊपर नीचे है। बढ़िया, ग्रहण करो भाई, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब तो पैर छू सकते हैं ना, अभी इतने दिन तो पैर नहीं छू सकते थे हम किसी बड़े के। ठीक है दादा जी, अब जा रहा हूँ मैं, बहुत कोशिश है, मिलते हैं फिर है। चलो बाय बाय प्रणाम। तो अभी निकल रहे हैं फटाफट घर के लिए, क्योंकि कल सुबह निकलना है जरा दिल्ली। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी हाँ जी, बाय बाय प्रणाम प्रणाम, मिलते हैं फिर बाद में। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ओके बाय बाय। ठीक है दाऊ जी, हाँ जी हाँ जी, बड़े दिनों से लगाए। सुबह दिक्कत तो नहीं हुई किसको? मिर्ची खाई थी ना रात को? ना ना कुछ नहीं हुई। तो आज मैं जा रहा था इसीलिए, लेकिन आप रुक गया ना, आज क्या खिलाता है भगवान जाने, कल मिर्च खिलाया। जबकि उसे पता है कि इसके हाथ कुछ नहीं, पता है कहीं जहर ना मिला दे मेरे को खाने में, मैं डर नहीं लगा। मिठाई खिलाई, मिठाई ना, मैं तेरे हाथ के तुम्हें खाने नहीं। चला 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 चला, आ गए। ये हमारी गाय माता है। हाँ ये इतनी प्यारी है, इधर देख के बोले, इधर 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 इधर, ये आ रही बेचारी, इधर देख के। हाँ इसने कितनों को इधर देख के बेहतरीनी पार करा दिया। इससे अच्छे साक्षात वो है पितृ देवताओं के लिए। क्या नाम है, क्या नाम है किसका, गाय का? भूरी भूरी, ये भूरी, ये भूरी, अब भूरी ऐसे कहीं नहीं, यहीं पे रहेगी भूरी, ऐसे आई मानना पड़ेगा। वो तो गाय माता है, काम धेनु गाय से ज्यादा है वो। क्या बात है, 33 करोड़ देव देवता उसके अंदर निवास करते हैं। सही बात है, बुलाओ बुलाओ से बुलाओ, पता है। ले 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 ले, नहीं कहीं जाएगी, आई नहीं रही, वो तो आएगी बेचारी वहाँ पे खा रही ना, उसको चमाने दे तभी तो खाएगी, खाएगी तभी तो आएगी। सही बात है, बोरी ले बोरी। तो अभी कोटद्वारा में पहुंच चुका हूँ और आज के फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे ही समाप्त करेंगे। आप सब ने दादी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आप सब लोगों का इतना लगाव है दादी के साथ, और अभी जैसे कई लोग मेरे को मिलते हैं तो ये तो सब बोलते ही हैं कि हमें दादी की याद आती है और हमें बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जो बहुत ही मतलब अलग चीज़ थी जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं सुनने को मिलेगी, वो ये है कि दादी सपनों में आ रही है बहुत लोगों के। ऐसे मेरे को अभी 5-6 लोग मिल गए हैं, एक तो आज ही मिले थे, तो ये चीज़ सुन के मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ। तो फिलहाल अभी कोटद्वार में आज भूखन उनकी रैली है, तो फिलहाल मैं वहाँ जा रहा था, उसके बाद फटाफट हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय पित्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।